चोरी करता, चोरी करता मेरी कार मिली। चल पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर लड्डू सिंह के इलाके में चोरी? लड्डू सिंह के इलाके में चोरी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यहाँ से 50-50 कोस दूर जब चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं चोरी छोड़ दे वरना लड्डू सिंह आ जाएगा। मैंने इस चोर को चोरी करते देखा है और मैं चिल्लाया भी, अयो ये चोर है और इसको शिवा ने पकड़ा। अंग्रेजी नहीं समझ में आती तो हिंदी में सुन लो, रुक जाओ। सर, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं पैंट उतार के काम करना ठीक नहीं, मेरी मानो तो पैंट पहन लो। अय्या आप लोग यहाँ कैसे? स्वामी जी, हम तीनों के घरों में चोरी हो गई है। कमाल है, मेरे घर से कार चोरी हुई और तुम तीनों के घर से सामान चोरी हुई। सा लगता है जैसे कोई हम चारों के पीछे पड़ा है। इंस्पेक्टर लड्डू सिंह जी, ये मेरे साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी में काम करते हैं, इनकी भी रिपोर्ट लिख लीजिए। कितने पुलिस वाले थे? बॉस एक बच्चा था। एक बच्चा? सिर्फ एक बच्चा? एक बच्चे ने शेरू को कैसे पकड़वा दिया? कह दो ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बॉस ये सच है, सच है, सच है। शेरू पकड़ा गया। अब आईडी कार्ड का क्या होगा? हमें उस सिक्योरिटी ऑफिसर का आईडी कार्ड चाहिए। ये देखो, सिर्फ 3 आईडी कार्ड हैं हमारे पास और वो चौथा हमें चाहिए। इस ऑपरेशन के लिए 4 आदमी चाहिए। सर, मैं उससे पुलिस स्टेशन में मिलने गया था। उसने बताया है कि वो आईडी कार्ड जहां वो पकड़ा गया था वहीं एक झाड़ी में फेंक दिया है। पहले क्यों नहीं बताया? कल सूरज की पहली किरण के साथ ही हम जाके वो आईडी कार्ड ले आएंगे। हाँ। ये शिवा हमेशा उल्टे सीधे काम करता है और हमसे
से भी करवाता है। अरे इतनी ऊपर आकर बैठने की क्या जरूरत थी जब नीचे ही बैठकर बात कर सकते हैं। तो शिवा ने रात को जो चोर पकड़ा था उसकी चीज को अपनी साइकिल में लगाए कैमरा से शूट कर लिया था, वो हमें दिखाने वाला है। शिवा दिखाओ ना। एक बार मैंने एक डाकू पकड़ा था, हुआ यूं कि ए आदि चुप करना यार, चल शिवा दिखा मुझे। ये इतनी सिक्योरिटी क्यों है आज? आज चीफ मिनिस्टर जी बाहर जा रहे हैं, ये सिक्योरिटी उनके लिए ही है। हे, तुम्हें कैसे पता? ये बात तो मुझे नहीं पता अभी तक। मेरे पापा उस प्लेन के पायलट हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर जी जा रहे हैं। मेरे पापा उनके लिए स्पेशल प्लेन लेकर आ रहे हैं। मेरे पापा भी चीफ मिनिस्टर के साथ जा रहे हैं, वो उनके सेक्रेटरी हैं। हे, लो आईपैड में चेस शुरू हो गई। ये इसने क्या फेंका? देखो चोर जेब से कुछ निकाल के झाड़ी में फेंक रहा है। हाँ वो कुछ फेंक तो रहा है लेकिन साफ नहीं दिख रहा। अगर फेंकना ही था तो उसने निकाला ही क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। चलो चल के देखना चाहिए उसने क्या फेंका। वो देखो साइकिल से कुछ बच्चे आ रहे हैं, जल्दी करो। तो किसी आई कार्ड का रिबन लगता है, जरूर इसके पीछे कोई मिस्ट्री है। चलो उनका पीछा करते हैं। शेरू को पकड़वाया है, अब मुझे पकड़ने आ रहा है। और तेज चलो, और तेज। कार आप चला रहे हो, हम नहीं। ओह सॉरी सॉरी। ये बच्चा नहीं बचेगा। ए, सुनो बच्चे, चुपचाप चले जाओ वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप वहाँ झाड़ियों से क्या निकाल कर ले जा रहे हो वो दिखाओ, मैं चला जाऊंगा। शेरू अकेला था इसलिए पकड़ा गया। हम चार चार हैं और बहुत डेंजरस अपराधी हैं। अब देखना तेरा क्या हाल करते हैं। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दो। ये तो मिस्टर स्वामी का एयरपोर्ट का आईडी कार्ड है, तुम इसे क्यों ले जा रहे हो? शिवा तुम ठीक तो हो?
सबको इतनी बुरी तरह मारा? कितने लोग थे? कितने लोग थे? एक बच्चा था बॉस, सिर्फ एक बच्चा। वो एक था और तुम चार फिर भी मार खा गए। तू बाबा का नाम पूरा कचरा कर दिया। बॉस बॉस, मैं आईडी कार्ड लेकर आया हूँ, ले लीजिए। अब आएगा मजा। चलो प्लेन हाईजेक करने की तैयारी करो। एक बार प्लेन हाईजेक हो गया और चीफ मिनिस्टर मेरी पकड़ में आ गया तो हम अपने खतरनाक टेररिस्ट दोस्तों को जेल से छुड़वा लेंगे। हेलो अंकल, मैं शिवा बोल रहा हूँ। आपका एयरपोर्ट पास वो चोर ले गए हैं। वो आपकी कार नहीं, एयरपोर्ट पास चोरी करने आए थे। लेकिन क्यों? वो एयरपोर्ट पास का क्या करेंगे शिवा? अच्छा ये बताइए, आपके एयरपोर्ट स्टाफ के तीन और साथियों की यहाँ कल रात को ही चोरी हुई है, तो क्या कहीं उनके भी पास तो चोरी नहीं हुई? यस यस, तुम्हें कैसे पता कि उनका फोन आया था? सबके पास चोरी हो गया है। ये चोरी प्लान करके की गई है अंकल। चोर को पता था कि आप पास कार में रखते हैं और बाकी लोग घर में, उनको पास चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने निश्चित जगहों पर चोरियां की। लेकिन ये लोग पास का करेंगे क्या? आज चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई, यस यस यही बात है, प्लेन हाईजैक। कोई चीफ मिनिस्टर का प्लेन हाईजैक करने का प्लान बना रहा है। उसे सिक्योरिटी ऑफिसर का पास चाहिए ताकि वो एयरपोर्ट में दाखिल हो सके। आप पुलिस को फोन करिए जल्दी। मेरे पापा उस प्लेन के पायलट हैं। मेरे पापा भी चीफ मिनिस्टर के साथ हैं। ओह नो, अब क्या होगा? चलो एयरपोर्ट चलते हैं। सर, हम एयरपोर्ट इंटेलिजेंस से हैं। हमें आपके बीच में शामिल होकर एयरक्राफ्ट तक चलना है ताकि कोई खतरा ना हो। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक आप सबके ऊपर कोई हमला हो सकता है। आइए आइए, फिर तो जरूर आप हमारे साथ आ जाइए। आपकी सुरक्षा के लिए सर। लेकिन प्लेन में क्या कर रहे हो? क्योंकि प्लेन हाईजैक करना है। हेलो मैनेजर, मैं बाबा बोल रहा हूँ, बाबा हाईजैकर। आपको जानकारी दे दूं कि चीफ मिनिस्टर का प्लेन मेरे कब्जे में है और अगर बाबा को जेल से नहीं छोड़ा गया तो चीफ मिनिस्टर कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन बाबा तो आप ही हो। मैं बाबा हूँ लेकिन जूनियर बाबा हूँ। वो बाबा सीनियर है, उनके साथ पांच और आतंकवादी कैद हैं, उन्हें भी छोड़ दिया जाए वरना। ऑल कमांडोस, अपने अपने हथियार बाहर फेंक के रनवे के बगल में जो अंडरग्राउंड गोडाउन है उसमें चले जाए, वरना चीफ मिनिस्टर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है, जल्दी करो। आ
अब हम अपने साथी को भी छुड़ाएंगे और सरकार से 50 करोड़ रुपए भी मांगेंगे। पायलट से कहो प्लेन को हमारे सीक्रेट अड्डे पे ले चले। हमें प्लेन वापस लेना होगा। झूठ मत बोलो। ये देखो इंडिकेटर। जाओ और फौरन चेक करो। तुम प्लेन लैंड करो और रिफ्यूलिंग करके वापस टेक ऑफ करो। जल्दी। ये कहां से आ गया? शिवा, तुम यहां क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे। ये बच्चा कहां से आया? नहीं हूं तो तुम वही बच्चे हो जिसने शेरू को पकड़वाया था। बहुत बहादुर हो। बाय बाय बहादुर बच्चे। प्लान मिट्टी में मिला दिया तूने। मैं हार नहीं मान सकता। बच्चा करके हमें थप्पड़ मार रहे थे और खुद ही एक बच्चे से मार खा रहे हो। अरे वो एक बच्चा 10 के बराबर है, लेकिन मैं भी कम नहीं। अभी उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। बाबा, छोड़ना मत उसे। मारो और मारो। वेरी गुड, कोशिश करो। क्या बात है,
बहुत अच्छा शिवा। बाबा मारो मारो, छोड़ना मत। शिवा जीतेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शिवा। और पंच मारो। जल्दी कौन हो तुम? क्या भला हो? क्या चीज हो? Allow me to introduce myself. I am Shiva. शिवा, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हैं। हम सरकार से बहादुरी का इनाम दिलवाएंगे। Three cheers for Shiva! Hip, hip, hooray! Hip, hip, hooray!